काफी अच्छे बन गए ये देखो। अभी भी इसके अंदर से देखो कितना निकल रही है चाशनी। नमस्ते फ्रेंड्स, महाराज महादेव जी, आज हम छेना मुर्गी बनाएंगे, तो उसके लिए पहले गैस का फ्लेम ऑन कर दी हूँ और ये पतीला चढ़ा दिया। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जब मैं दूध डालूं तो पतीले में लगे ना। और ये 1.5 किलो अमूल टोन दूध है, ये फुल क्रीम में नहीं बनता, टोन में ही बनता है। इसको पहले उबालना है, फिर इसको नींबू निचोड़ के इसका छेना बनाना है। दूध गर्म हो रहा है नहीं, मैं नींबू काट के इसका जूस निकाल लेती हूँ। अगर नींबू नहीं है तो विनेगर भी डाल सकते हैं जो सिंपल सिरका होता है, नहीं तो आजकल एक मसाला भी आता है बाजार में पनीर बनाने का, तो वो भी ला सकते हैं, उससे भी दूध फाड़ सकते हैं। मेन चीज है कि दूध को फाड़ना है और छेना बनाना है। ये चाशनी मेरी कल की बची हुई है, रसगुल्ले बनाए थे मैंने, रसगुल्ले की रेसिपी, इसलिए मैं चाशनी नहीं बना रही। इसको मैंने रख लिया था चाशनी को, तो ये ऐसी कैसी है। ये चाशनी बनाने का ये होता है कि जितना हमने पानी लिया है उससे दोगुना ज्यादा चीनी डालनी होती है तो चाशनी बन जाती है। जैसे मैंने कल 1/2 किलो पानी लिया था तो मैंने 1 किलो चीनी ली थी, तो चीनी भी अपना पानी छोड़ती है तो इसलिए फिर वो काफी सारा पानी हो जाता है, तो ये हिसाब होता है। ये भाई दूध में उबाल आ गया, अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है और थोड़ा ठंडा हो जाएगा जब इसमें नींबू का रस डालेंगे दूध को फाड़ने के लिए। नींबू का रस मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया, अब ये थोड़ा 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 सा देर में फटना शुरू होगा धीरे धीरे करके, तो एकदम से नहीं डालना चाहिए नींबू का रस, थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए। तो ये दूध हमारा बन चुका, छेना बन गया है, अब इसको छानेंगे और फिर इसके छेना मुर्गी बनाएंगे। इतने में ही चाशनी गर्म होने के लिए चढ़ा देती हूँ। अभी ठंडा भी हो गया है तो आराम से इसको एक बार साफ पानी से धो लेंगे, जो नींबू से हमने फाड़ा है तो वो जो खट्टापन है उसका नींबू का वो निकल जाएगा। कोई भी पतला कपड़ा हो उसमें से छान ले, मोटे कपड़े में से तो ये निकलेगा नहीं पानी इसका पूरा। तो कोई पतला रुमाल हो या मलमल का कपड़ा हो कोई, उसमें से छान लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसको दबाते हुए निकाल लें पानी इसका, ज्यादा अगर प्रेशर लगाएंगे तो कपड़ा भी फट जाएगा। ये छेना बन गया, इसको ऐसे हाथे से मुलायम कर लें, जैसे आटा गूंदते हैं ऐसे इसको कर लेना चाहिए। अब इसके छोटी छोटी गोलियां बना दें। उबाल आ गया, गैस कम कर रही हूँ, इतने गोली बनेगी इतने, नहीं तो फिर चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और पानी कम हो जाएगा। जितना मुलायम छेना होता है उतने स्पंजी बनेंगे,
पर ये थोड़ा सा बनाने में इसको शेप देने में दिक्कत होती है क्योंकि बहुत मुलायम छेना है, खाने में उतने टेस्टी होते हैं। अभी इसमें डालना शुरू करते हैं। अब इसको 5 मिनट ढक के रख देंगे और जब झाग बन जाएगी तब इसको बाद में खोल के देखेंगे। 5 मिनट ढक के पकाएंगे इसको। अब ये बन रहा है, इतने हम थोड़ी सी चीनी पीस लेंगे इसकी कोटिंग करने के लिए। थोड़ा सा ये चीनी का पाउडर बना दिया है, अब इसकी कोटिंग करेंगे इस छेना मोटी पीस लिए। चाहे तो आप नारियल का जो बुरादा होता है उससे भी कर सकते हैं कोटिंग, पर वो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं इससे चीनी से करूंगी इसकी कोटिंग। पांच मिनट हो गए, अब देखते हैं इसको खोल के। काफी अच्छे स्पंजी हो गए हैं ये, 5 मिनट और पका देते हैं। 5 मिनट और ये फ्लेक्स और ये बन गए हैं। अब इनको निकाल के हम छल्ली में से इसकी जो फालतू चाशनी है वो निकाल देंगे। दस मिनट पकाए हैं ये हमने चाशनी में और 10 मिनट में पक जाते हैं ये। और जो ये हमारी चाशनी कल मैंने बनाई थी अभी भी काफी बच रही है तो मैं इसको फेंकूंगी नहीं, अभी भी इसको यूज में ले लेंगे, किसी में कुछ बनाने के यूज में आ जाएगी। ये जब तक ठंडे नहीं होते और सूखते नहीं है चाशनी में से तब तक ये काफी नरम रहते हैं, तो इनको आराम से पकड़ के रखना चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स, अब मैंने ये थोड़ी देर इसमें रखा था तो ये थोड़ा टाइट हो गया है आराम से। तो चीनी के जो ये मैंने बनाया था इसमें रखने के बाद चीनी सोख लेगा ये और टाइट हो जाएगा। जब तक ये चाशनी में रहते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, स्पंजी रहते हैं, पर चाशनी से निकालने के बाद ये अच्छे हो जाते, टाइट हो जाते हैं। अब ऐसे टाइट हो गए हैं, काफी अच्छे हो गए हैं, अब कोई टूटने का खतरा नहीं है इनको। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। और ये आसान सी रेसिपी थी मेरी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, जिसका नाम है अनीता जस्सी ऑल इन वन चैनल। और आपने अपना कीमती टाइम देके मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका साल शुभ हो। नमस्ते फ्रेंड्स, हर हर महादेव जी।